कोविड-19 कोरोना वायरस इसके बारे में हम आप लोगों को बताने हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगा जितने भी लोग हैं आपस में दूरी बना के रखें। सबसे पहला नियम ये है, सबसे पहले जानकारी, सबसे पहला जो काम है आप लोग एक दूसरे के करीब ना, एक दूसरे से दूरी रहें। और इस बीमारी, ये जो महामारी फैली है, ये क्यों फैल रही है, कैसे फैल रही है, धीरे धीरे हम आप लोग को बताएंगे कैसे क्या हो रही है, क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। आप लोगों को कुछ पूछना भी रहेगा, हो सकता है हमें जितनी जानकारी है उतनी बता सके। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है, आपस में एक दूसरे से आप लोग कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बना के रखें। किसी से भी हाथ ना मिलाएं, किसी से फिजिकल कॉन्टेक्ट यानी शरीर से शरीर ना टच करें। हाथ को सबसे पहला काम ये करें जो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं। आपको लगता है आपका इम्यून सिस्टम, आपका पाचन क्रिया बहुत सही है तो हो सकता है आपको इस बीमारी का पता ना चले, लेकिन आपको क्या करना है कि आप अच्छा खान पान करिए। पहले तो पहली बात ये, कुछ चीजें जो बता रहा हूँ आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, एक जगह गैदरिंग मत करिए, आप लोग एक जगह पे इकट्ठा मत होइए, अलग अलग दूर दूर रहिए। आप लोग घर में है, अगर आप लोग घर में है घर से ही सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको, उस जानकारी को घर से ही सुनिए। कल जनता कर्फ्यू है, ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू लगेगा और डंडे चलेंगे, आर्मी वाले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग गैदरिंग ना करें, आप लोग एक जगह इकट्ठा ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें। ये क्या है, ये बीमारी कोविड जो कोरोना वायरस है इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। आप लोग घर से ही सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, घर पे चले जाइए, इकट्ठा मत होइए। यही सबसे बड़ी कारण बन रहा है, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है इकट्ठा होना। एक दूसरे के पास जब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मुझे बीमारी हो रही है, मैं इनको टच कर रहा हूँ, इनको बीमारी हो रही है, ये उनको टच कर रहे हैं, यही ऐसे ही ये बीमारी फैल रही है। तो आप सबसे पहले मास्क खरीदिए, ये मास्क 20 से 30 रुपए का अगर हमारे पास अवेलेबल होता तो हम आप लोग को दे देते, फ्री में बांट देते, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या करिए कि आप 20 से 25, 15, 20 जो जितने भी रुपए में मिल रहा है आप मास्क खरीदिए। हाथ को समय समय पे धुलते रहिए, अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर धुलते रहिए। इसको पकड़ना भाई, हाथ को कैसे धुलना है अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कैसे कोरोना वायरस क्या है और कैसे फैल रहा है। ये समझिए कोरोना वायरस है, ये समझिए वायरस है, ये ठीक है ना, ये जो मैंने हाथ पे रंग लगा रखा है ये समझिए ये वायरस है। मेरे हाथ में कीटाणु है, पढ़ा है ना हम लोगों को पता है ना कीटाणु, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, इसी तरीके से ये कीटाणु है। तो अगर हम किसी दूसरे का हाथ, ये मान लीजिए ये हाथ मेरा साफ है, मतलब ये आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, मैं इनसे हाथ मिला रहा हूँ, ठीक है, मैं इनसे हाथ मिलाया, अब इनका हाथ देखिए, इनके हाथ में भी वायरस चला गया। समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं बात को, ये वायरस इनके हाथ में चला जा रहा है। ये अपने नाक को छुएंगे, अपने मुंह को छुएंगे या फिर अपने आंख को छुएंगे तो वो वायरस इसी के रास्ते हमारे फेफड़ों में चला जाएगा और इससे क्या होगा, हमारा फेफड़ा सिकुड़ने लगेगा, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, हमारा लीवर कमजोर हो जाएगा, तो इससे अंदर हमारे जाके बहुत सारी कमियां, बहुत सारे दिक्कतें पैदा होंगी। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ये हमें पता नहीं चलेगा, फिर अचानक हमें हमारे फेफड़ों में जकड़न महसूस होगा तो हमें लगेगा कि हाँ हमें कुछ हुआ है और तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। तो आप ये करिए कि आप एक दूसरे का हाथ मत छुइए, अपना नाक कान या आंख मत छुइए, हाथ को समय समय पे धुलते रहिए। अब मैं बता रहा हूँ हाथ कैसे धुलना है, हैंड वॉश, ये देखिए हैंड वॉश लीजिए, हैंड वॉश लीजिए, इसको हैंड वॉश लीजिए या फिर साबुन हो, कोई भी साबुन हो, शिवम गिराना इसको, हैंड वॉश से और या साबुन से अपने हाथ को अच्छे से कैसे कैसे धुलना है, ऐसे पहले रगड़िए, इधर आ जाओ, हाथ को पहले ऐसे रगड़िए, रगड़ने का तरीका देख लीजिए, धुलने का तरीका कैसे क्या करना है, हाथ को ऐसे ऐसे पहले धुलना है, फिर ऐसे ऐसे करके धुलना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ यही है कि इससे जितना ज्यादा हो सके हम लोग बचे, अगर हमें ये बीमारी नहीं होता तो हम बचे हुए, इसका इलाज यही है। हमने हाथ ऐसे रगड़ा, ऐसे रगड़ा, ऐसे रगड़ा, ऊपर रगड़ा, ठीक है, अपने हाथ को ऐसे रगड़िए और फिर ऐसे नाखून से इसको ऐसे रगड़िए, जब ऐसे ऐसे आप धुलेंगे, देखिए मेरे हाथ में जो बैक्टीरिया था, एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, ये जो मेरे हाथ में बैक्टीरिया था धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है।
तो वो मार देता है, जो साबुन होता है उस बैक्टीरिया को मार देता है। अगर आपके हाथ में बैक्टीरिया भी होगा तो वो मर जाएगा, तो इससे आपको बीमारी नहीं होगी। ये COVID-98 कोरोना जो है आपका बीमारी है, जो फैल रहा है महामारी के रूप में, अब पहले चाइना से शुरू हुआ, आज पूरे विश्व में 168 देशों में ये फैल चुका है। तो आप इसको हाथ को ऐसे रगड़ रगड़ के अच्छे से पूरा ऐसे रगड़ के धुलिए, फिर उसके बाद पानी से। अब मेरा हाथ देखिए, अब हमारे मेरे हाथ में वायरस है, दिखा आपको। तो इस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं आया है। जैसे अब आपको बुखार हो जाता है, आप इंजेक्शन लगवा लेते हो, बुखार ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन अभी तक ये जो बीमारी फैली है, ये जो महामारी फैली है, आए दिन हर एक दिन करीब हजारों लोग मर रहे हैं इस बीमारी से। तो इसका सीधा और सादा जो इलाज है, आप लोग आप एक दूसरे के अभी मैं बता रहा हूं, अभी तो आप इकट्ठे हो, लेकिन मेरे जाने के बाद आप लोग कम से कम आपस में 1-2 मीटर की दूरी बना के रखिएगा और बाहर मत निकलिएगा। कल जनता कर्फ्यू है, कल अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अजंता कर्फ्यू का ये कारण क्या है, क्या इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे क्या कारण है कि क्यों कहा गया है बाहर मत निकलिए। सपोज इनके अंदर वायरस है या फिर नहीं है, ये बाहर घूम रहे हैं, तो ये जितने लोगों के टच में जाएंगे, इनको छुएंगे, उनको छुएंगे, उनको छुएंगे, तो ये बीमारी उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर ये दिन भर अपने घर में है या फिर ऑफिस में है, हो सकता है इनको अकेले इनको बीमारी रहेगी। लेकिन ये अगर 10 लोगों के बीच में जाते हैं, वहां पे खांसते हैं, वहां पे छींकते हैं, वहां पे कुछ भी करते हैं, तो वो दूसरे लोगों तक ये बैक्टीरिया ये वायरस चला जाएगा, तो इससे वो भी बीमार हो जाएंगे। तो अगर आप लोग दिन भर घर पे रहते हैं, तो इससे बैक्टीरिया एक दूसरे के शरीर में, ये वायरस एक दूसरे के शरीर में नहीं जाएगा और ये दूसरे लोगों को बीमार नहीं करेगा। तो आप लोग क्या करिएगा, पहला जो काम रहेगा, साबुन से अच्छे से अपने हाथ को धुलिएगा, रगड़ रगड़ के धुलिएगा, अपने बच्चों को साफ सफाई देखिएगा कि साफ सुथरा ये हाथ धुलना है कि नहीं धुलना है। सारा बीमारी ये जो है ये गंदगी की वजह से हो रहा है। आप लोग थोड़ा साफ सफाई भी रखिएगा, अपने शरीर को साफ सुथरा रखिएगा, और कोई भी चीज अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जितना मुझे जानकारी है मैं आप सबको बता सकता हूँ, कोशिश करूंगा बताने का। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, अभी आप लोग एक जगह पे इकट्ठा मत होइएगा। अभी आप जो लोग सट सट के खड़े हैं, आप मत खड़े होइए, सब लोग अपना अपना हाथ धुलिए। हो सकता है आपको ये बात बहुत हल्के में ले रहे होंगे, आप लोग इस बात को बहुत ही सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। मैं तो गांव का हूं, मैं मेहनत करता हूं और मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं साग सब्जी खाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बैक्टीरिया आपके शरीर में अगर जाता है तो आपका जितना भी ताकत है उसको कमजोर कर देगा। अगर बुखार हो जाने पे देखते ना, अच्छे अच्छे लोग बीमार पड़ जाते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं। तो अगर आप ये इस गलत फहमी है, अब मान लीजिए मेरे हाथ में वायरस है, मैं ये माइक छू रहा हूं, फिर ये माइक छू रहे हैं, तो अगर इन्होंने हाथ नहीं धुला तो ये बैक्टीरिया इनके अंदर भी चला जाएगा। तो कोशिश ये करिएगा, और कोई भी टोटम टेटका ये जो आप लोग अपना रहे हैं, झाड़ फूक, कोई इसका काम नहीं आने वाला है। मेरे मुस्लिम लोग भी तमाम चीजें कर रहे हैं, हिंदू लोग भी तमाम चीजें कर रहे हैं, अपने घर के आगे 3 दिया जला रहे हैं, बहुत सारी चीजें लोग इसी में आ रहा है, गाय का मूत पी रहे हैं, गौमूत्र पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, इससे खाने से आप और बीमार हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल इसका कोई भी अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। गाय का मूत या फिर कोई भी चीज आप लोग गोबर खा रहे हैं, या फिर नाक में सरसों का तेल, कान में सरसों का तेल डाल के आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं। इसका सीधा सरल सबसे अच्छा जो बचाव का तरीका है, अपने हाथ को साफ सुथरा रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं, दरवाजा भी खोल रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोहनी से खोलें, इससे खोलें, दरवाजा ऐसे खोलिए, इसको मत टच करिए, क्योंकि ज्यादातर जो हाथ में ही ये बैक्टीरिया आ रहा है। अगर आपके शरीर में होगा, हो सकता है आप अच्छे से धुलेंगे तो क्या करेंगे, हैंड साबुन खरीद लीजिए आप लोग, 10 रुपया 5 रुपया तो आप लोग आराम से खरीद सकते हो। तो 10 रुपये 5 रुपये का साबुन ले लीजिए, मास्क खरीद लीजिए, अगर हमारे पास अवेलेबल होता तो हम आप लोग को फ्री में बांट के जाते, फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, बहुत महंगा बिक रहा है। तो कोशिश ये करिए, मुंह को ढक के रखिए, खाना वाना ढक के रखिए, अच्छे से पका के खाइए, अगर कुछ पूछना हो। और हाँ, ये चीज आपको कैसे पता चलेगा, आपके गले में जकड़न महसूस होगा, पहले आपके गले में जकड़न महसूस होगा और फिर धीरे धीरे फेफड़ों में जकड़न महसूस होगा, तेज से दर्द करेगा, बुखार होगा, ऐसा अगर आपको सिम्टम महसूस हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी किसी भी कहीं पे भी अपने अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अब किसी को कोई पूछना है कुछ, तो अभी क्या करना है, आपको घर में रहना है, जो भी जरूरत की सामान है अपने घर में रख लीजिए, अपने बच्चों को घर में रखिए, इधर उधर खेलने ना जाएं, गंदगी कोई भी चीज टच ना करें, हो सकता है वो बॉल खेल रहा हो, एक बच्चे को बीमारी हो, दूसरे बच्चे को,
ऐसा होने पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये बच्चे सिर्फ फिर बच्चे जाके वेंटिलाइजर पे लेटे रह जाएंगे दिन भर दिन रात आईसीयू में, जहाँ पे भी जो भी इनका इलाज है होगा। कोई उम्मीद नहीं है बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका सीधा और सरल सबसे आसान जो तरीका है बचने का जो इलाज है, इससे बचाव रखें, बचे रखें, ठीक है। अब जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक दूसरे के पास ना खड़े रहे, अपने अपने घरों में जाएं, और ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे दूसरे लोगों को भी बताएं। थैंक यू।